तो अगर प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो, बेसिकली अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो इसमें क्या आता है कि अगर कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, एफ की कितनी मैक्सिमम वैल्यू रखी जाए सो दैट ब्लॉक डज नॉट ब्लॉक शोन इन फिगर डज नॉट मूव। देखो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो ब्लॉक मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये अच्छे से रेस्ट में भी नहीं होगा, जस्ट चलने वाला होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो अगर तुम देखोगे एफ की वैल्यू बढ़ाओगे तो मैक्सिमम के केस में यहाँ से जो फोर्स लग रहा है ये 60 डिग्री पर एफ, मैक्सिमम के केस पे यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा वो लिमिटिंग आएगा। इससे पहले क्या रह रहा होगा स्टेटिक, उसके बाद चलने लगेगा काइनेटिक। तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर म्यू प्रेजेंट है और म्यू की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 1/2√3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले मैं फोर्स अगर दिखाऊँ तो चलो मैं फोर्स दिखाता हूँ। नॉर्मल सबसे पहले ऊपर लगेगा जो कि ठीक है ना ग्राउंड लगाएगा, एक एम जी लगेगी इस पे जो कि अर्थ लगाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा इस एफ का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा एफ कॉस 60, और एफ का एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा जो होगा एफ साइन 60। ये अब अगर इसके अलावा भी एक फोर्स आएगा फ्रिक्शन, क्योंकि रफ सरफेस है तो जो फ्रिक्शन है वो इधर को डायरेक्शन में आएगा जो कि एफ कॉस थीटा का अपोज करेगा, और इसका जो नेचर होगा वो लिमिटिंग होगा क्योंकि मैक्सिमम फोर्स के लगा रहे हो। इसके बाद ब्लॉक चलने लगेगा, इससे पहले जो फ्रिक्शन लगेगा मतलब वो स्टेटिक लगेगा, और जब मैक्सिमम ये कर दोगे तो लिमिटिंग लगने लगेगा। अब एक्स वाई एक्सिस में बैलेंस कर दो, सबसे पहले नॉर्मल की वैल्यू निकाल लो। तो जो ऊपर जो नीचे फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ साइन 60, यहाँ से देखो एफ साइन 60 प्लस कैपिटल एम जी यहाँ से मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से तुम्हें आ जाएगी ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चलो इसको यहीं रहने देते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन बैलेंस किया होगा किसको, एफ कॉस 60 को। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो अगर यहाँ से फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन के इक्वल है और यहाँ से एफ कॉस 60, तो एफ कॉस 60 म्यू एन यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एफ साइन 60 और प्लस एम जी के इक्वल होगा और यहाँ से एफ कॉस 60 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से बेसिकली तो एफ कॉस 60 जो एफ है और यहाँ से तुम देखोगे तो म्यू एम जी और यहाँ से एफ कॉमन ले लो, तो एफ कॉमन ले लो तो कॉस 60 और माइनस म्यू साइन 60 ये वाला चीज़। तो जो मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा ये वाला चीज़ उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो, मैक्सिमम ये जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा, म्यू की वैल्यू यहाँ दिया था 1/, यहाँ से म्यू आ जाएगा 1/2√3 और मास की वैल्यू यहाँ से √3, जी की वैल्यू 10 ले लो, डिवाइड कर दिया जाए कॉस 60 साइन 30 1/2 और माइनस म्यू यहाँ से 1/2√3 और साइन 60√3/2, तो साइन 60√3/2 ये वाली चीज़। तो अगर यहाँ तुम देखोगे तो √3 √3 इससे कैंसिल हो गया और √3 ये √3 इससे कैंसिल हो गया और 1/2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो 1/2 1/2 का ख़त्म कर दिया, तो ऊपर बचा 10 और 1/2 1/2 यहाँ से कॉमन आया तो -1/2 यहाँ बचा, ठीक है। मतलब ये 20/20 न्यूटन आपको मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू 20 न्यूटन आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो नीट वालों घबराना नहीं, ये बेसिकली थोड़ा सा मैं लेवल हाई रखा हूँ क्योंकि बहुत टाइप के बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें ना। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।